कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने सभी कांग्रेसियों को भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्यता, समानता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी वर्गों को मान दिया था। संविधान के तहत सभी को अपने अधिकार से जीने का अधिकार अपने तरीके से मिला था, चाहे वो निचले स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, सभी को संविधान में समानता दी गई है। उन्होंने कहा, संविधान दिवस के अवसर पर समस्त कांग्रेस जन संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा करते हुए देश की एकता अखंडता को बरकरार रखेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव पीसीसी सदस्य दिलीप कुमार निषाद, जितेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर वजाहत करीम, तौकीर आलम, धर्मराज चौहान, एसपी सिंह, देवेंद्र निषाद, धनुष, राकेश मौर्य, महेंद्र नाथ मिश्रा, कात्यानी मिश्रा, सच्चिदानंद पांडे, अविनाश पति त्रिपाठी, मकसूद आलम, ऋषिचंद गुप्ता, गुलाम ताहिर, चौधरी एजाज हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, निर्मला पासवान, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। देखिए, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी के निर्देशानुसार जिला और महानगर गोरखपुर में बाबा साहब की मूर्ति पर संविधान दिवस को मनाया जा रहा। आज संविधान दिवस का 73वां संविधान दिवस है, जिसमें हम सभी लोग मिल करके बाबा साहब के आदर्शों को, उनके नियमों को, उनके कानून को, उनके सपनों को यहाँ साकार करने के लिए सभी युवाओं और सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना सारे देशवासियों को देते हैं। धन्यवाद।